हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो गाइस, आज है अपने पास रियलमी नार्जो N3 अपन फ़ोन। और गाइस, आज के इस वीडियो पे हम आपको बताएंगे कि आपका जो रियलमी नार्जो N3 अपन फ़ोन है उसका जो कैमरा एप्लीकेशन वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा। जब भी आप ओपन करते हो तो इस तरीके से ब्लैक ब्लैक हो जाता है बट ओपन नहीं होता। तो आज हम रियलमी नार्जो N3 अपन की कैमरा ऐप नॉट वर्किंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग किस तरीके से कर सकते हो, कौन सी सेटिंग करनी होगी, सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कैमरा एप्लीकेशन नॉट वर्किंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपका पे क्या करना होगा वो मैं आपका पे बता दूँ। आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है वो मैं आपको बता दूँ। आपको इस तरीके से अपने कैमरा एप्लीकेशन को यहाँ पे दबा के रखना है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इस तरीके से आपको यहाँ पे दबा के रखना है। इस तरीके से जैसे दबा के रखोगे तो ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप इन्फो का। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको ऐप इन्फो वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ही आप लोगों को ऐसा इंटरफेस दिखे तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको पहला ऑप्शन दिख रहा होगा फोर्स स्टॉप का। आपको सिंपली फोर्स स्टॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लिक। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको सिंपली फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिल जाएगा, फाइनली फोर्स स्टॉप हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको स्टोरेज यूजर्स का, यहाँ पे आपको क्लियर डाटा एंड क्लियर सच का मिलेगा। तो आपको क्लियर ऐप डाटा पे क्लिक करना है और आपको देख सकते हो ओके का बटन मिलेगा। आपको सिंपली इस सेटिंग को ओके कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली आना है थोड़ा सा बैक। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे डाटा यूजर डिटेल मिलेगी, आपको यहाँ पे देख लेना टोटल और बैकग्राउंड दोनों जीरो हैं। उसके बाद आपको फिर से अपने कैमरा एप्लीकेशन को करना है ओपन। तो कुछ परमिशन वगैरह आपका कैमरा एप्लीकेशन भी मांगेगा, आपको सिंपली ओके करना है। उसका जो बात जो आपका कैमरा एप्लीकेशन है वो सिंपली से वर्क करना स्टार्ट कर देगा।